आज इस स्पाम का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे, या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना आप जानते हैं। चार उंगलियों के पर्व एक समान है। बुद्धिमान हैं आप, समझदार हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अपनी बातों को किसी के भी सामने रखना बेहतरीन ढंग से आपको आता है। उंगली का पहला सिरा अंगूठे का दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए कार्य करने की क्षमता को लेकर के कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये वाला सिरा नीचे वाला ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबत आती है तो उनके लिए आप करने को तैयार रहते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। हॉटलाइन यहाँ से सैटर्न से इनिशिएट हुई है और ये दोनों धन रेखा है। हॉटलाइन आपकी सैटर्न से इनिशिएट हुई है। पैसा पहले, फैमिली उसके बाद। पैसा सबसे ज़्यादा अहम है आपके लिए। सेल्फिश हैं आप, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अत्यधिक होते हैं। हॉटलाइन पे कट्स काफ़ी हैं। दबाव वाली स्थिति बनी हुई है। झंझटों वाला जीवन रहेगा। माइंडलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से माइंडलाइन का इनिशिएट होना अति शुभ योग बनाता है। अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से या सही दिशा में कर पाने की वजह से या अच्छे से कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफलता भी इन्हें कम आयु में मिल जाती है और पूरे जीवन सफलता मिलती रहती है। सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन पावर काफ़ी हाई होता है इन लोगों का। लेकिन जब आपके माइंड लाइन पे इतने सारे कट्स हो जाएं, चाहे आपका माइंड लाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो आपकी काबिलियत होती है परिणाम हमेशा उससे कम ही आपको मिलेगा। थर्टी सिक्स के आसपास से आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। इस एज से आपके जीवन में अप्रत्याशित सफलता आपको मिलेगी 36 के बाद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। लेकिन एक होता है इंसान को संतुष्टि मिलती है जीवन में जब आपको लगता है कि हाँ आपकी काबिलियत के हिसाब से आप अच्छे पद को प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो 36 के बाद से। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरता है, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड और समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, अपवाद हर जगह हैं। और इस तरह से जब बायफॉर्क बनता है आपके लाइफ लाइन पे और उसकी दिशा हो जाती है मून माउंट की तरफ, ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता है। फॉरेन ट्रिप के कई मौके आपको मिलेंगे अपने जीवन में, लेकिन फॉरेन में जाकर के वहीं होकर रह जाने वाला ये पाम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से पूरी की पूरी लाइफ लाइन ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से जब लाइफ लाइन बीच में टूट करके मून माउंट की तरफ जाती है
तो इसके 2-3 परिणाम होते हैं, बिजनेस ऐसा लोग अच्छा करते हैं। दूसरा फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा करता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है इसका बदलाव, ऐसे लोग IAS IPS अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में, या फिर स्टेट PCS ऑफिसर बनते हैं। आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई है मूनमाउंट से, बाहरी लोगों की मदद हमेशा आपको मिलेगी, घर के लोग उतनी मदद आपकी नहीं कर पाएंगे। विदेशी धरती या जो भी जगह बर्थ प्लेस से दूर है वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लाइफलाइन के पास अगर ट्रायंगल बन जाता है और उससे अटैच्ड होके आपकी लकलाइन निकलती है, क्षमताओं जो भी काबिलियत है आपकी उससे हमेशा कम ही परिणाम आपको मिलता है स्टार्टिंग के टाइम में। लेकिन आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में पाया है, आपने मेहनत बहुत की है, अन्यथा आपके हाथ में फिलहाल स्टेबिलिटी आने में समय था, लेकिन आपने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया है जो उतना संभव नहीं था। आप मेहनती बहुत हैं। चाहे लाइफलाइन पे आपके फिश का साइन बने या लाइफलाइन से अटैच्ड होकर के फिश का साइन बने, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन में जाकर के स्टडीज कंप्लीट करते हैं या फिर फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। और इस तरह से केतु के माउंट से भी लकलाइन से एक शाखा अटैच्ड होती हुई दिखाई दे रही है। बचपन इन लोगों का अच्छा गुजरता है, अच्छी खासी फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं, बच्चों की जो नीड होती है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो चलिए साइन वगैरह देख लेते हैं। फिश का साइन है, अच्छा आपकी सन लाइन पर भी फिश का साइन बन रहा है। ये आपके लक लाइन की एफिशिएंसी को अत्यधिक बढ़ाता है, जहाँ पे लोग लाखों कमाते हैं आप जिससे लोग करोड़ों कमाते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर तो काफ़ी है, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके लाइफ में। छोटा सा ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब कनेक्शन बनता है सन और जुपिटर के बीच में, इन लोगों के संपर्क में बड़े बड़े औहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में उठना बैठना लगा रहता है और इनकी बात को वो सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। एजुकेशन लाइन काफ़ी बड़ी है आपकी, व्यवहारिक ज्ञान अद्भुत है आपके अंदर। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई एक नहीं बल्कि 2-2 लाइन है। फिश का साइन वो भी है यहाँ पे। स्क्वायर काफ़ी हैं, एक नहीं बल्कि 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा घर होंगे आपके पास। ट्रायंगल है, अच्छा सा पद दिलाता है ये। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। और ये देखिए, बड़ा पद पाने के लिए या Grade 1 ऑफिसर होने के लिए कौन सा साइन आवश्यक होता है, ये हो गई लक लाइन इनकी। और लक लाइन से अटैच्ड होके इतनी बड़ी मर्करी की लाइन, इतनी बड़ी और बिना टूटे हुए अगर मर्करी की लाइन आपके हाथ में है जो लक लाइन से इनिशिएट होकर चल रही है, ऐसे लोग Grade 1 ऑफिसर बनते हैं गवर्नमेंट में। और इस तरह से जब सन मंगल से सन लाइन निकलती है, जितनी मेहनत आप करते हैं उससे थोड़ी कम सफलता आपको मिलती है।
मार्लिन काफ़ी बड़ी है आपकी, अद्भुत ज्ञान है आपके अंदर, जब बायफॉर्क भी हो गया है। ऐसे लोग जब इस एज में आप आएंगी, 36, एक मिनट, यहाँ पे एज डिफरेंस लग रहा है मुझे, नहीं ये 40 का एज है आपका। 40 के एज में जब आप आएंगी तब आपके अंदर बुद्धि का जो विकास है कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। इस एज में आकर के आपको लिखने की कला आपके अंदर विकसित होगी, कोई किताब या कुछ भी आप लिखेंगी। ये जो लाइन होती है किसी राइटर के पाम में हो तो अच्छा शुभ माना जाता है। लिखने और सोचने की समझ अद्भुत होती है लोगों में। फॉरेन ट्रिप के तो कई मौके मिलेंगे आपको। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। नहीं, पहले माउंट्स देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा है, हल्का सा ये शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ हल्का सा शिफ्ट हुआ है, साथ ही आपकी फिंगर बड़ी है तो इसने इसकी थोड़ी सी जो नेगेटिविटी है उसको कम कर दिया है। प्रोमिनेंट है, जितनी मेहनत उसे कहीं ज़्यादा सफलता देता हुआ दिख रहा है। शिफ्ट हो गया हल्का सा सैटर्न माउंट की तरफ, लेकिन निगेटिव इफेक्ट डालता हुआ ये नहीं दिख रहा है। आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ सभी अच्छी रहेंगी। ये वाला पार्ट मुझे हल्का सा उभार लिए हुए दिख रहा है। जब निगेटिव सिचुएशन आता है या कोई भी चीज़ जो आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, उस वक्त आपको थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। आप जब समस्या आती है तब आप नर्वस हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाते हैं, आप ही ढूंढती हैं, बट उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है आपको उस माहौल से निकलने में। सनमाउंट शानदार है आपका, नेम फेम पैसा सब देता हुआ दिख रहा है। फिश की साइन काफ़ी अच्छी है, आपकी सन लाइन पे ही बन रही है और काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो इनकम के कई सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। हीलर्स लाइन है आपके हाथ में, दूसरों की समस्याओं को समझने का की अद्भुत कला है आपके अंदर। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो लुक वाइज देखने में अच्छे होंगे और थोड़े से हल्के से डोमिनेटिंग होंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के से, लेकिन लुक वाइज देखने में अच्छे होंगे। इनमास अच्छा है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन राहु के लाइंस के नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसने इसकी पॉजिटिविटी को थोड़ा कम कर दिया है। अपना खान पान का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आता हुआ मुझे फ्यूचर में भी आपके हाथ में, आपके लाइफ लाइन पर नहीं देखा। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी खूब होगा आपके जीवन में। हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है यदि मून माउंट वेनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से जीवन में कभी ना कभी नुकसान उठाते हैं। फॉरेन में ट्रैवल करने के बहुत मौके मिलने वाले हैं आपको और वहां पे जाकर के 6 माह 1 साल रहने का मौका भी मिलेगा। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं किसी से, एनर्जी लेवल कमाल की है आपकी। ट्वेंटी टू एंड हाफ या 23 से आपके जीवन को नई दिशा मिली, इससे पहले 18 के लास्ट और 19 के फर्स्ट में इश्यूज आए हैं लाइफ में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। इससे पहले का जो लाइफ आपका 23 से पहले का, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कट्स काफ़ी हैं और ऑफशूट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि खुशियां नहीं हैं, खुशियां भी हैं लेकिन समस्याएं भी लगातार हैं। अब ये क्यों है वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह से जब रहता है, क्लियर नहीं दिखता है ना माइंड लाइन ना लाइफ लाइन, जीवन को दिशा नहीं मिल पाती है। आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं ये इंसान तय नहीं कर पाता है क्योंकि ना तो माइंड लाइन एक्टिवेट है आपकी और ना ही लाइफ लाइन, इसलिए जीवन को सही दिशा मिल पाना मुश्किल होता है और बहुत मेहनत से इंसान सफलता पाता है, काफ़ी मेहनत करनी होती है इसके लिए। ट्वेंटी टू एंड हाफ या ट्वेंटी थ्री हम काउंट करते हैं, वहाँ से आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है।
25 में कोई ना कोई खुशी आई है आपके जीवन में, और 26 में भी कोई ना कोई खुशी आते हुए दिखाई दी है। 28 ही लेके चलते हैं, 28 and a half या 29 में आपका कहीं ना कहीं रिश्ता तय हुआ। 30 में भी छोटा सा ऑफ शूट देख रहा है, कोई ना कोई खुशी आई थी जीवन में। 32 में भी ऑफ शूट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 33 के लास्ट और 34 के फर्स्ट में आपकी शादी होगी। जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मुझे उस वक्त ये लगा था कि ये 32 है, लेकिन नहीं, ये 33 की लास्ट और 34 की फर्स्ट, 33 ही मान के चलते हैं, इस एज में आपकी शादी होने वाली है। और 34 में आपको बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई बड़ा जॉब लगने जा रहा है 34 में। और यहाँ से जब आपकी शादी होगी तो जीवन को नई दिशा मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, क्योंकि इस एज से 33 के बाद से आपकी जो लाइफ लाइन है वो आउटर साइड से इनिशिएट हो रही है, आपका जो भी स्टेटस है अभी, इससे रिच फैमिली में आपकी शादी होगी, क्योंकि लाइफ लाइन आउटर साइड से इनिशिएट हो रही है। 37 में अगेन ऑफ शूट्स हैं, 36 में भी है, 37 में भी ऑफ शूट हैं, और 37 में छोटा सा इशू आता हुआ दिख रहा है। 38 में भी ऑफ शूट है, 39 में लगातार दो इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो कोई मेजर नहीं है। और 38 में ही इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्ट भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने वाले हैं। 41 में ऑफ शूट है, 44 में कट है, और 45 में ऑफ शूट है, 48 में ऑफ शूट है। उसके बाद देखिए, समस्याएं जो भी हैं वो बहुत कम है, समस्याएं ज़्यादा नहीं है आपके जीवन में, खुशियां बहुत हैं, उपलब्धि बहुत है। लेकिन मुझे इस एज से, यहाँ से 26 से आपका थोड़ा वेट बढ़ता हुआ लग रहा है। आप अपने वेट को थोड़ा कंट्रोल रखिए, हो सकता है इस वजह से कभी ना कभी हेल्थ इश्यूज आए, तो वेट को थोड़ा कंट्रोल करना है। तो आपकी शादी होते हुए 33 में मुझे दिखाई दे रही है, और 34 में जॉब का चेंज आएगा, बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है 34 में। एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कब का पहुँचते हैं। एक बार फिर से इस कैलकुलेशन से फ़ायदा ये होगा, हम कंफर्म हो जाएंगे कि इनकी शादी और इनका जॉब चेंज कब होने जा रहा है। इस हिसाब से ये 33 and a half से में आपकी शादी हो रही है, और 34 and a half में ऑफ शूट आ रहा है, मींस जॉब चेंज हो रहा है। 34 में कुछ मंथ का प्लस रहेगा, उसमें आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। अब 35 मान के चलिए, 35 से जीवन को नई दिशा मिलेगी और नया जॉब अब 35 से ज्वाइन करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पाम को देख करके स्टेट PCS आप क्वालिफाई करने वाली हैं। आपकी धन रेखा पहले से भी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अब मुझे ये देखना है कि चेंजेस 35 से जो आने वाले हैं वो शो होता हुआ आपकी धन रेखा पे दिख भी रहा है कि नहीं। यहाँ से एक लाइन होता गया है कि जब आप कोई बड़ा पद ग्रहण करते हैं तो पाम में वहाँ पे विष्णु चिन्ह अवश्य बनता है, चाहे फिश का साइन बनता है, दो चीज़ें बनती हैं। आपके हाथ में विष्णु चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहीं से एक लाइन, फेम की लाइन, सन्मान की तरफ देख रही है। इस एज में आपको अच्छा खासा फेम भी मिलने जा रहा है, काफ़ी लोग आपको जानने लगेंगे। 35 का जो एज होगा वो टर्निंग होगा आपकी पॉइंट का, बहुत बड़ा वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस एज से आपको फेम भी मिल जाएगा, काफ़ी लोग आपको जानने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे विष्णु चिन्ह काफ़ी बड़ा बन रहा है।
35 में बड़ी सफलता मिलते हुए आपको दिख रही है, बहुत बड़ी। यहाँ पे अगर आपके मूल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इफ अगर मूल है यहाँ पे तिल है आपके, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। जीवन में जिन पे भी आप भरोसा करेंगे वो आपको किसी ना किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसाएंगे जहाँ पे आपको अपमानित होना पड़ सकता है, और इसका साइड इफेक्ट जीवन में एक बार देखने को मिलता ही है। और इफ अगर ये इंक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव नहीं होगी, फैमिली वालों के पसंद से होगी। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप जब इस तरफ यानी मंगल की तरफ सन माउंट पे स्क्वायर का साइन बनता है, ऐसे लोग अपने जीवन में अथाह संपत्ति इकट्ठा करते हैं, मीन्स बैंक बैलेंस से कहीं ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी होगा, ज़मीनें होंगी, घर होंगे। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 3 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। 7 को नंबर ऑफ गॉड की संज्ञा दी गई है, ये देव संख्या है, शुभ अंक है, इसका आपके जन्म के साथ जुड़ना ही आपको बड़ी सफलता देने की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये पॉजिटिव तभी होता है जब इसके साथ जो भाग्यांक है आपका या मूलांक है आपका वो भी शुभ हो। अगर 4 और 8 आ गया तो फिर उसका मतलब अलग हो जाता है। इसे रहस्यमयी अंक भी कहा जाता है, मिस्टीरियस नंबर है ये। जिन भी जातक के उम्र इसके साथ या डेट ऑफ बर्थ के साथ ये जुड़ता है, रहस्यमयी होते हैं ये लोग। इनको इनके मूड को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इनको समझ पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा नंबर है, इसे के ग्रह स्वामी केतु हैं, तो केतु के सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। बचपन इन लोगों का बहुत अच्छा नहीं गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है सफलता का रेशियो भी बढ़ते जाता है। और केतु जब आपको लीड करते हैं, आप अच्छे दिशा में काम कर रहे होते हैं, अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, तो सफलता दूसरों की तुलना में कई गुना ज़्यादा आपको मिलती है। भाग्यांक आपका 3 है, 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। बेहद बुद्धिमान होते हैं ये लोग, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों से अवगत होते हैं, इंडिपेंडेंट सोच होती है, स्वतंत्र जीना इन्हें अच्छा लगता है, किसी के सामने झुकने वाले में से आते नहीं है, किंग राजाओं वाला नेचर होता है, गुण होता है इनके अंदर, आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन सफलता अगर इनके मन के मुताबिक ना मिले तो निराशा भी इन्हें जल्दी घेर लेती है, थोड़े से तानाशाही होते हैं ये लोग भी। ऐसी माइंड लाइन आपकी जब इतनी बड़ी हो और वो मंगल की तरफ देख रही होती है तो ऐसे लोग थोड़े से तानाशाही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 7 और 3 का, ये बहुत ही शुभ है। ऐसे लोग शिक्षा के दम पे, अपने ज्ञान के दम पर जीवन में हर खुशी को पाते हैं, शिक्षा। इसके साथ ही जब 7 और 3 का आंकड़ा बनता है रहस्यमयी जो ज्ञान होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे रहस्य वगैरह उजागर होते हैं, इन नॉलेज के तरफ, इस ज्ञान की तरफ इनका ध्यान भी आकर्षित होता है। तो 7 और 3 आपको एजुकेशन के रास्ते से असीम सफलता देता हुआ दिख रहा है, आपके आने वाले सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं आपको। अब एक एक करके आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपका सवाल है कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी होगी 33 के लास्ट में। आपके जो हस्बैंड होंगे वो जॉब में ही होंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, जॉब चेंज करने के स्कोप हैं, स्कोप नहीं है, बड़ा स्कोप नहीं कह सकते उसको, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। 35 फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, काफ़ी ब्राइट है। आपका स्टडी में फोकस इसलिए नहीं बन रहा है, ऐसे बन जाएगा, अभी थोड़ी दिक्कत है। आपके माइंड लाइन पे कट्स बहुत हैं, जब कट्स आते हैं तो इसके गुणों को ये कम कर देता है। ऐसे आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से, गुणवान हैं आप, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब राहु के दुष्प्रभाव होते हैं तो आपकी सोच में थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है, इसको कम करने के उपाय हैं, रेमेडी हैं, आपको चाहिए होगा। ऐसे अगर मैं एक काम करती हूँ, मैं वीडियो में ही बता देती हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा।
और आपके लिए भी, समझ जाते हैं लोग। देखिए ऐसे राहु के बीज मंत्र हैं, लेकिन मंत्र मैं इसलिए देना, पहले मैं देती थी फिर मैंने रोक लगा दिया क्योंकि लोग अच्छे से उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि मंत्र जो भी है वो एनर्जी के फॉर्म में रहता है, जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो एक एनर्जी का निर्माण करता है आपके आसपास, और वही वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही ना हो तो फिर गलत एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इससे बेटर है कि आप मंत्र जाप को अवॉइड कर दें, अगर फिर भी आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सकती हैं, तो फिर मैं आपको बीज मंत्र राहु का दे दूंगी। दूसरा उपाय होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपाय है, जो मुझे लगता है सबसे कारगर होता है, आप जो पक्षी होते हैं उनको दाना डालिए, पानी वानी दीजिए, गाय को चारा डालिए, चारा देना दे सकती हैं आप, और जो भिखारी वगैरह होते हैं मंथ में कभी एक बार कुछ भी उनको आप या तो गिफ्ट कर दो, कुछ भी थोड़ा सा कुछ भी, जैसे ऐसे मैं फूड वगैरह पहले मैं बोला करती थी, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के खाने में केमिकल होता है, आप लोग वही प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए लोगों की। तो खाना छोड़ के कुछ भी, जो भी आपके, आप सिंपल वर्ड में रेमेडी समझ जाइए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद कीजिए बस। राहु ये नहीं कहता है कि आप हमेशा पूजा पाठ में लगे रहिए, बिल्कुल नहीं। राहु का कहना इतना होता है कि आपकी कर्म की दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक विचार जैसे आपके मन में आए खुद को बिजी रखना स्टार्ट कर दीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगी, आपका फोकस पूरा बन रहा है स्टडी की तरफ। देखिए शादी के बाद भी आपकी लाइफ बेहतरीन रहने वाली है, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है ऑलरेडी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। होता क्या है कि जब लड़की इंडिपेंडेंट नहीं होती है, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें ज़्यादा समस्याओं को से जूझना होता है। जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। लाइफ पार्टनर थोड़े से आपके डोमिनेटिव होंगे, हल्के से, लेकिन सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा होंगे और लुक वाइज देखने में अच्छे होंगे। आपसे, आप जिस फैमिली को बिलोंग करती हैं, जिस फैमिली से आप आती हैं, उससे 2 पॉइंट ज़्यादा रिच होंगे वो। देखिए आलस क्यों आता है, आलस आने का सबसे जो मेन कारण है वो होता है राहु की लाइन। राहु की लाइन क्या करती है, आपके माइंड लाइन पर प्रेशर डालती है। प्रेशर डालती है मीन्स कोई भी काम आप करने जाते हैं ध्यान भटकते रहता है, कॉन्सेंट्रेशन का अभाव होता है, जिस काम को आप 5 मिनट में कर सकते हैं उस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं। तो राहु आपके दिमाग को भटकाता है, भरमाता है। अगर राहु के रेमेडीज आप करते हैं तो आपको आलस आना भी बंद हो जाएगा क्योंकि आपका दिमाग कम थकेगा। रेमेडीज आपको यही करने हैं, राहु के ही सिर्फ रेमेडीज करने, बाकी सभी माउंट्स आपके अच्छे हैं। निगेटिव थॉट्स जैसे ही आपके दिमाग में आए, आप एक काम करो, आप स्टडी पे या कोई भी बुक ऐसा लो, उसको जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप लाउड होते हो ना, जब आप चिल्ला के कोई चीज़ बोलते हो या पढ़ते हो, तब आपका दिमाग सोच नहीं पाता है। और ऐसे करते करते 2-3 मंथ आप ऐसा करोगे, अपने आप आपका दिमाग सही तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा और एक्स्ट्रा जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरी बात ये, प्रकृति से जुड़ना शुरू कर दीजिए, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो कोई 1-2 पौधे लगा लीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब मौका मिले 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट, स्टार्टिंग में तो 10 मिनट का ही टाइम दीजिए, और देखिए कि वो कैसे अपने आप को प्रोग्रेस में लाते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे छोटा सा पेड़ होता है बड़ा होता है। उनके साथ जब आप कनेक्शन फील करने लगेंगी तो ये जितने भी, सबसे कारगर उपाय यही होता है प्रकृति से जुड़ना, ये जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हैं ये सब कम हो जाएंगे। ये जो सोच है आपकी, आपको समझ में आएगा इतना छोटा सा पौधा इतने तूफानों को झेल कर भी खड़ा रहता है, पेड़ बनता है, लोगों को ऑक्सीजन देता है बिना किसी उम्मीद के। हम इंसान के पास तो बहुत सुविधाएं हैं, फिर हम क्यों इतना नेगेटिव सोचें, है ना। तो बस यही है रेमेडीज़, तो मैं ही बस यही देती हूँ, बाकी रहे स्टोन वगैरह वो मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करवाती क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ चीज़ों पे। हाँ मंत्र है मेरे पास राहु के हैं, मैं देती हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस करूँगा, लेकिन आप ये बताओ कि क्या आप कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो आप ले लेना, अन्यथा नहीं, क्योंकि जो प्रोनाउंस हम करते हैं वही एनर्जी क्रिएट करता है और उसी एनर्जी की वजह से हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समस्याएँ आती हैं और सुविधाएँ भी आती हैं। मैंने लगभग आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके सभी साइन, सभी लाइन, आप PCS ऑफिसर होने वाली हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी साइन को डिस्कवर करने की मुझे अब ज़रूरत है या ढूंढने की, क्योंकि इतनी अच्छी जब मर्क्यूरी की लाइन रहती है
इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है हाथ में। मर्क्यूरी की लाइन को जो पामिस्ट होते हैं वो अवॉइड करके चलते हैं, लेकिन सीरियसली यही एक लाइन है जो आपके भविष्य के पूरे भविष्य को, अगर मुझे कहा जाए कि किसी एक लाइन के बारे में कि एक लाइन बताइए जो पूरे भविष्य के बारे में बता देगा, इनकम के बारे में बता देगा, लाइफ कैसी रहेगी ये बता देगा, तो सिर्फ ये लाइन है। एक लाइन आपके पूरे आने वाले कल को डिस्क्राइब करने की क्षमता रखता है। आपका भविष्य उज्ज्वल है, शानदार है, लाजवाब है। निगेटिव थाट्स को थोड़ा कम रखिए, क्योंकि जीवन आपका बेहतरीन है। तो जब भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है और आपने अपनी मेहनत से ये पाया है, तो अच्छे से उसको सेलिब्रेट करिए। आज के लिए बस इतना ही। और फॉरेन से इनकम के सोर्स काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में ट्रायंगल। मुझे लगता है एक वक्त ऐसा आएगा जब अच्छी खासी राइटर के तौर पे भी आप जाने जाएंगे। आपके माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल बन रहा है। माइंड लाइन पे जब बाय फोर को ट्रायंगल बन जाए, ऐसे लोगों की लिखने की कला कमाल की होती है। जब आप 40 की होंगी तब आप हो सकता है लिखने वाले क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। किसी को भी अपने पाम का लाइसेंस करवाना हो, अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो, आप भी अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। बाय बाय।